नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और 20 दमदार स्टॉक्स जो आज के लिए चुने गए हैं आपके लिए, जहां पर अच्छी कमाई हो सकती है। ट्रेडिंग कॉल्स है ये, सिर्फ इंट्राडे के लिहाज से चुनी गई है, जहां पर तकनीकी तौर पर खरीदारी बिकवाली के सौदे बन सकते हैं या फिर यहां पर ट्रिगर्स हैं, न्यूज फ्लो या फिर रिजल्ट स्ट्रांग आए हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कम्पीट कर रहे हैं संदीप। जब तक संदीप बोलेंगे नहीं इंटरनेशनल मार्केट्स पॉजिटिव है, तब तक भारतीय बाजारों में खरीदारी आएगी नहीं। और ये तो अब इंटरनेशनल मार्केट्स आज के सत्र में तो डेटा ठीक नजर आ रहा है। किस चीज का असर है? कल वैलेंटाइन डे, इस वजह से इतना जोश दिख रहा है। अच्छा, वैलेंटाइन डे के पहले खरीदारी होती है? रेड टाई है आपकी, मतलब बिल्कुल वैलेंटाइन डे आपकी ब्लू नहीं, आपकी भी रेडी है। आपको देख के मैंने लगाई, मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव है, आज तो खरीदारी होगी क्योंकि पिछले 3-4 दिन तो बहुत 4 दिन से डाउ गिर रहा था, कल कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखा है। कल देखिए 373 पॉइंट के आसपास एक गेंद से, और आज ज्यादातर एशियन मार्केट्स आपको अच्छे नजर आएंगे क्योंकि 1.5% की मजबूती लेके कल यूएस के मार्केट बंद हुए, 450 अंक डाउ चढ़ के बंद हुआ है। दो मेन कारण है। पहली बात तो ये जो ट्रेड वॉर को लेके बातचीत चल रही है यूएस चीन के बीच में, उसमें सहमति की उम्मीद कहीं ना कहीं बढ़ती चलती जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा है कि 2 मार्च की जो डेडलाइन है जिसमें वो टैरिफ 10% से बढ़ाकर 25% करने वाले थे, वो डेडलाइन को वो आगे एक्सटेंड करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए तैयार हैं अगर दोनों देशों के बीच में डील बहुत जल्द हो जाती है। और दूसरी ओर 15 फरवरी आपको याद होगा सरकारी शटडाउन की फिर से डेडलाइन है यूएस में, 15 फरवरी तक की ही उनके पास फंडिंग है। और खबर ऐसी निकल के सामने आ रही है, सैद्धांतिक ही सही लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति भी बन गई है कि जो बॉर्डर वॉल बनाने की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसकी फंडिंग अब मिलती हुई दिखेगी। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया है ये, तो आप ये कह सकते हैं कि यूएस में दोबारा से शटडाउन नहीं होगा। 35 दिन तक सरकार का कामकाज ठप रहा था, अब तक का इतिहास में सबसे लंबा है। तो वो आप देखिए डाउ और नैसडैक फ्यूचर्स में 0.5% के आसपास के गेंस इसीलिए देखने को मिल रहे हैं। तो चौतरफा अच्छी खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट आप देखिए पॉजिटिव है, ना केवल यूएस, यूरोप और एशियन मार्केट। अच्छा, मेटल्स शेयर चढ़ गए थे कल के सत्र में, बाजार टूट रहा था, ये जो ट्रेड वॉर चिंता कल मैंने आपको कहा भी था रजत कि मेटल स्टॉक्स पॉजिटिव रहेंगे इसी एंटीसिपेशन में कि दोनों देशों के बीच में अब जो वार्ता हो रही है ना, देखिए चाइना के आंकड़े अपने आप सामने आके ये कह रहे हैं कि वो ट्रेड वॉर को लेकर जो बातचीत है, जो विवाद है, उसे सुलझाना चाहते हैं। और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने रुख में थोड़ी सी नरमी ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद जागने लगी कि हाँ दोनों देशों के बीच में सहमति बन जाएगी। मेटल में मजबूत पकड़ होती चली जा रही है आपकी, मैं ट्रैक कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते आपने बोला था टाटा स्टील टूटेगा, टूटा। अब इस हफ्ते आपने बोला कि मेटल चढ़ेंगे, मेटल चढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हैं आप मार्केट में। लेकिन आज जो शुरुआत होगी उसमें सन फार्मा नतीजे शानदार दे दी कंपनी ने। आज आपने बहुत अच्छे से स्टॉक्स पहले ही अपने सीट में शामिल कर लिए हैं, तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो आज आउट परफॉर्म कर। नहीं, पर तिमाही आधार पर तो बेहतर नतीजे, घाटे से मुनाफे में। ऊपर से मुनाफे की जो फिगर आई है 1,242 करोड़ है, किसी के भी अनुमान से, कोई भी एनालिस्ट हो, इतना भी ज्यादा अनुमान तो नहीं लगा के बैठा। पीक अनुमान था, सबसे अच्छे अनुमान थे, उससे भी बेटर नंबर्स इस कंपनी रिपोर्ट किए। 322 करोड़ से सीधा मुनाफा बढ़कर पहुंच गया 1,242 करोड़, आय में बढ़ोतरी 6,653 करोड़ से बढ़कर 7,740 करोड़, और इनकी अन्याय जरूर बढ़ी है लेकिन अगर आप कामकाजी मुनाफा देखेंगे यानी कि एबिटा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। 2,153 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पेश किया है और मार्जिन तो सुधरेंगे, इतने बेहतर आंकड़े, तो 22% के जो मार्जिन थे वो 27% के पार निकल गए। सन फार्मा के नतीजे बेहतर हैं, बहुत समय से नहीं चल रहा था लेकिन तैयारी कर रहा था पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें मूव आने की। 452 का लक्ष्य लेकर चल सकते हैं, 430 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाकर सन फार्मा इस स्टॉक पे बेट लगाने की सलाह होगी। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं अगर यहाँ पर मोमेंटम जो है आपके फेवर में आता हुआ नजर आया तो। लेकिन बहुत होंगे रजत, आप सन फार्मा ले लिया आपने, आपने कौन सा छोड़ा होगा? सबसे पीक अनुमान एडवांस तो मेरी शीट में है नहीं, तो देखिए सही, आपने सन फार्मा लिया है ना, कोई बात नहीं, मैं भी बताऊंगा इस नतीजों के दम पे और भी शेयर अगर चलेगा। चलिए ठीक है, सन फार्मा को पोर्टफोलियो में शामिल करिए, पहला स्टॉक है जहां पर एक्शन तेज हो सकता है। दूसरा है फ्यूचर रिटेल, देखिए इसमें एक्टिविटी है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लेकिन अब खबर यहाँ पर यह कि 8 से 11 फरवरी ये जो डेट्स हैं इनके बीच में प्रमोटर ने 3.58 लाख शेयर जो है अपनी कंपनी के खरीदे हैं। फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, इन्होंने शेयर खरीदे हैं फ्यूचर रिटेल के, 432 की क्लोजिंग थी, 448 का लगाइए टारगेट, 427 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। फ्यूचर रिटेल में एक्शन तेज हो सकता है, पता नहीं शेयर चलता क्यों नहीं है। कई टाइम से हम देख रहे हैं कि कई दिनों से इनफैक्ट प्रमोटर एंटिटीज की ओर से खरीदारी हो रही है स्टॉक में लेकिन स्टॉक चलने का नाम लेता नहीं, अगर चलता भी है तो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिलती है। कल गिरते बाजार में ठीक था इस शेयर में बहुत ज्यादा, चलिए उम्मीद है आपने अगर कहा है तो हो सकता है कि आज स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखे। लेकिन एक स्टॉक जिसमें आपको नजर रखनी है वो है बाटा इंडिया का। देखिए कल भी स्टॉक का रिजल्ट्स आने से पहले मजबूती इंडिकेट कर ही रहा था और आज भी हो सकता है कि स्टॉक में गेंस बनते हुए दिखें, और जिस तरह के नंबर्स आए हैं अच्छे रहने का अनुमान था उससे भी अच्छे नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। आय 15.5% बढ़ी है, मुनाफे में 51% का जंप देखने को मिला है, 103 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर आए हैं। जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 47% की बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन 16.5% के मुकाबले 21% के आए हैं। इतने बढ़कर आएंगे मार्जिन,
कोई भी एनालिस्ट मान के नहीं चल रहा था। मार्जिन में सुधार होगा ये हर कोई मान के चल रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी शायद ही किसी ने एंटिसिपेट किया था। तो हो सकता है कि आज नंबर्स के दम पे 1220 तक की 40 स्टॉक में आसानी से बनती हुई दिखे। अगर आपको 1220 का लेवल भी दिखे तो 1230 1235 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें, लेकिन 1175 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर फॉलो करना है। एक और कंपनी जिसने नंबर्स के फ्रंट पर आउट परफॉर्म किया है वो है कोल इंडिया का। देखिए 3764 करोड़ रुपये का मुनाफा रहने का अनुमान था, 4567 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। आय में भी अच्छी खासी बढ़त है। कामकाजी मुनाफा देखिए 4618 करोड़ था, 6788 करोड़ रुपए के नंबर आए, और मार्जिन यहां भी देखिए 21.3% के थे, 27% के पार के मार्जिन इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। स्टॉक ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा था इस चीज़ को, 2% के आसपास की मजबूती थी। अमूमन हम देखते नहीं है कि इतने ज़्यादा गेंस स्टॉक में बनते हुए दिखते हैं, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए हैं 230 235 तक की जो चाल है आसानी से स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कुछ हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी स्टॉक में देखने को मिले। आप एक 220 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसको प्लस करके चलें, यही रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स आए हैं नंबर्स में बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। चलिए एक स्टॉक होगा हेक्सावेयर जिसमें एक्शन तेज था कल, बाकी के सभी आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन ये स्टॉक लेटर हाफ में एकदम से तेज हुआ और दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग थी, बहुत बेहतर क्लोजिंग 358 के आसपास की है। अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर है, अभी लगातार तीसरे महीने शेयर में निचले स्तरों से खरीदारी है, हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए मूव 367 तक के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं अगर आप पोजिशन लिए स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो। लेकिन पहला स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो है 354 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 367 ये पहला टारगेट हेक्सावेयर पे लेकर चल सकते हैं आप। नतीजा दमदार है आरसीएफ, ये मेरी शीट में शामिल है आरसीएफ का स्टॉक जिसमें बहुत खुश है आज आप बहुत खुश उसमें 18 नंबर्स ले जितने अच्छे नंबर्स आए सारे ले लिए। 18 करोड़ के मुकाबले सीधा 50 करोड़ मुनाफे के फिगर आई है आरसीएफ की। आय में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला, फिगर पहुंच गई है 2353 करोड़ जो कि 1970 करोड़ से बढ़ी है। बेहतर बात यह कि कामकाजी मुनाफा 111 करोड़ से बढ़कर सीधा 128 करोड़ आरसीएफ का पहुंचा है। मार्जिन थोड़े से ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, 5.4% के आसपास मार्जिन थे, 5.6% इनके पहले मार्जिन थे, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है मार्जिन के फिगर में। लेकिन कामकाजी मुनाफे के तौर पे और मेन मुनाफे के तौर पे बहुत बेहतर नतीजे आरसीएफ ने पेश किया। 58 का टारगेट आज के लिए स्टॉक पे और स्टॉप लॉस 53, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी बन सकती है स्टॉक। चलिए कम्पीट करने की कोशिश करता हूँ, ऑटोमोटिव एक्सेल एक स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखना है, नतीजे इसके भी बेहद शानदार नजर आएंगे, खासतौर पर मेरे मार्जिन से नजर नहीं हट रही है, 10.8% के लिए 11.5% के आए हैं, 19% की आय बढ़ी है, मुनाफा 37% बढ़ा है और कामकाजी मुनाफा भी करीब 27% बढ़ा है। देखिए नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं दिखाते हुए दिखेंगे, लेकिन आप देखिए जितने भी ऑटो एंसिलरी कंपनी के नंबर्स अभी तक आए हैं कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। मुझे 2-3 नंबर्स याद हैं, एक रिको ऑटो, एक सुब्रोस जैसी कंपनी के नंबर्स अगर आप देखें तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नंबर्स में देखने को मिला था, और जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव एक्सेल्स में देखने को मिल रही है हो सकता है कि ये बेस्ट ऑफ द लॉट नंबर्स हों और उसके दम पे आज बड़ी तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखे भी। 1150 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए, 1100 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन नतीजों के दम पे जहां आप बिकवाली करनी है वो है कॉनकोर, जिसे आप कंटेनर कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। देखिए इसका जो मुनाफा है 275 करोड़ आया, हम मान रहे थे कि 300 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर आएंगे, मुनाफा 1% के आसपास घटता हुआ दिखा है, आय 3.75% जरूर बढ़ी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखिए उसमें करीब 2.3% की कमी देखने को मिली है, मार्जिन देखिए 26.7% के थे वो घटकर अब 25% के आसपास के आ गए हैं। और ये जो मैं नंबर कह रहा हूँ आपको 277 करोड़ रुपये के आसपास का, 275 करोड़ रुपये के मुनाफे का, उसमें भी एक इनका जो टैक्स क्रेडिट है 45 करोड़ रुपये का वो भी शामिल है, तो अगर आप उसको हटा दें एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो नंबर्स आपको बहुत वीक नजर आएंगे। तो हो सकता है कि आज नतीजों के दम पे बिकवाली का भार स्टॉक में बनता हुआ दिखे, 500 रुपये और उसके बाद 495 तक के जोन के लिए अप्रोच कीजिए, एक 570 रुपये का स्टॉप लॉस छोटा सा लगा लीजिए। लेकिन अगला स्टॉक जो पोर्टफोलियो में है वो है इंडियन होटल्स का। देखिए यहाँ पर मुनाफे की फिगर जो आई है वो 160 करोड़ की है और ये घाटे से मुनाफे में आई कंपनी तिमाही दर तिमाही आधार पर, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल आइटम आता है हर बार, इस बार भी 44 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम आया है। इसको साल पहले देखेंगे तो लगभग 20-22 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम तब भी था, तो आपको मात्र 20 करोड़ के आसपास की एडजस्टमेंट करनी है, उस लिहाज से भी नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं। 87 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 160 करोड़ पहुंचा है सालाना आधार पर, और तिमाही दर तिमाही आधार पर घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। इसके अलावा कामकाजी मुनाफा इनका बहुत बेहतर तरीके से बढ़ा है, तो उसको आपको रडार पर रखना है। तो इंडियन होटल्स आज के लिए एक्शन में रह सकता है, बहुत समय से चला नहीं, अब 143 से 144 ये एक रेंज लगाइए टारगेट के तौर पर, 134 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 174 रुपए का टारगेट दिया है मॉर्गन स्टैनली ने नतीजों के बाद, तो आपकी राय से तो मॉर्गन स्टैनली भी सहमत है, तो ट्रैक कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली में को, बस मैंने देखा है हो सकता है स्टॉक में आज जबरदस्त एक्शन बनता हो देखिए नंबर्स के बाद। लेकिन अब बारी है सन फार्मा का, जो आपने स्टॉक उतारा था उसके सामने स्टॉक उतारने की, वो है सन फार्मा एडवांस का। आपने पहले अंदाजा सही लगा लिया था और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा रजत, अगर सन फार्मा के मुकाबले सन फार्मा एडवांस, इसे स्पार्क के नाम से दुनिया जानती है,
उसमें ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा। देखिए स्टॉक ऑलरेडी 3% के आसपास से गेंस दिखा चुका है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि नंबर्स के दम पे तो चलेगा ही सन फार्मा के, लेकिन 52 वीक हाई से देखिए स्टॉक 68% नीचे है, तो वैल्यूएशन का बड़ा सपोर्ट है और जब भी इसमें एक्शन बनता है तो एक्शन बहुत ज़बरदस्त आता है, स्विंग काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है इधर वे, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। इसीलिए मुझे लगता है कि आज 170-175 तक की चाल बहुत आसानी से स्टॉक पर बनती हुई दिखेगी, सन फार्मा को ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा ऐसी मुझे बहुत उम्मीद है, इसीलिए मैंने इसे ईपीएस का दर्जा दिया है। आप 153 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सन फार्मा का नतीजों का अगर कोई बेनिफिशियरी होगा तो मुझे लगता है इस स्टॉक का थोड़ा सा टारगेट उम्मीद है कि मेरी सन फार्मा से ज्यादा का टारगेट बहुत ऊपर का टारगेट लग रहा है यहाँ से, अब बहुत ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल हम मान रहे हैं इस पार्क में देखने को मिले। देखिए मेरी उम्मीद है पहली बात तो सन फार्मा से ज्यादा चले और जब भी चलता है तो बहुत ज्यादा स्टॉक चलता है, तो सन फार्मा से तो ज्यादा चलना चाहिए। चलिए तो फटाफट से रीकैप देख लेते हैं, स्पार्क इन्होंने लिया, मैंने लिया सन फार्मा, नतीजों के दम पे आज एक्शन में रह सकता है, घाटे से मुनाफे में तिमाही दर तिमाही आधार पर और मुनाफा जो है 322 करोड़ से बढ़कर 1242 करोड़ सालाना आधार पर। सन फार्मा के नतीजे दोनों ही फ्रंट पे ठीक हैं, 452 का लक्ष्य, 430 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। फ्यूचर रिटेल में प्रमोटर्स ने शेयर खरीदे हैं, 448 का लक्ष्य है, 427 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। हेक्सावेयर के लेटर हाफ में अच्छी तेजी पकड़ रहा था, बाकी के आईटी स्टॉक्स टूट रहे थे, 367 का टारगेट, 354 का स्टॉप लॉस। आरसीएफ और इंडियन होटल्स दोनों के नतीजों के दम पे आप खरीदारी कर सकते हैं, आरसीएफ में 58 का टारगेट, 53 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और इंडियन होटल्स 143 से 144 के रेंज तक जा सकता है, 134 का स्टॉप लॉस लगाकर पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। नतीजों के दम पे बाटा, कोल इंडिया, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, ये तीन स्टॉक हैं जो कि खरीदारी के लिए चुने गए हैं। बाटा के तो मार्जिन बहुत ऊपर बढ़ के आए हैं, 1220 का लक्ष्य होगा, कोल इंडिया के नंबर्स ने भी आउट परफॉर्म किया है, 230 तक के टारगेट्स आ जा सकते हैं और ऑटोमोटिव एक्सेल्स अब तक ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स कहना चाहिए, 1150 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। लेकिन कॉनकोर के नंबर्स ने निराश किया है, जिस तरह के मुनाफे के नंबर्स आए हैं उसमें टैक्स रिवर्सल भी शामिल है, मुनाफा बहुत कम है अनुमान से, तो आज नीचे की ओर चाल 500 या 495 तक की भी आ सकती है, 570 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिए। और स्टॉक है स्पार्क, सन फार्मा जितना चलेगा उससे ज्यादा चलने की उम्मीद है, ये 170 का टारगेट है, 153 रुपये का स्टॉप लॉस। सूची को आगे बढ़ाते हैं, अभी तक मैंने सभी खरीदारी के सौदे दिए, एक आपने बिकवाली का दिया, बाकी सारे खरीदारी के सौदे हैं आपके बताएंगे, बिकवाली का नहीं, एक भी बिकवाली का नहीं है, सभी खरीदारी की है। और लक्स इंडस्ट्रीज इस पे भी नजर रखनी होगी, एक्शन में आ सकता है नतीजों के दम पे, 18.5 करोड़ से मुनाफे की फिगर 24 करोड़ के पार निकली है, ये सालाना आधार पर है और आय बिल्कुल फ्लैट है, 280 करोड़ के आसपास की आई है, 283 करोड़ जो पिछले बार भी यही थी, पर कामकाजी मुनाफा जो बेहतर बात यह है कि 37 करोड़ से बढ़कर सीधा 43 करोड़ एबिटा इनका पहुंचता हुआ नजर आया, मार्जिन पिक्चर सुधरी है, जो 13% के मार्जिन थे वो बढ़कर 15% के पार निकले हैं, तो लक्स इंडस्ट्रीज बहुत समय से चला नहीं हो सकता है, एक्शन में आ जाए नतीजों के बाद 1210 इन लेवल्स तक पहुंच सकता है, 1160 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। पता है स्टॉक नतीजों के दम पे नहीं चलेगा, ये इसलिए चलेगा क्योंकि आप रिकमेंड कर रहे हैं और ये जो इनर वेयर वो जमाने हॉजरी वाला सेगमेंट है ना, अरे कुछ जमाने नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है, वो बहुत पहले रह गया, बहुत समय से चला ही नहीं, मैंने रिकमेंड नहीं किया, तो नहीं नहीं आपने रिकमेंड नहीं किया तो चला भी नहीं, आप रिकमेंड करें यहां चलेगा भी, फिर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है इस पे, फिर मॉर्गन स्टैनली भी ट्रैक कर सकता है, वो तो बात की बात रही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जैसे मैंने कहा नतीजे अच्छे आ गए, आपके रडार पे स्टॉक आ गया ना, ये इनर वेयर हॉजरी पे वैसे भी पकड़ आपकी बहुत मजबूत है, अच्छा पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं और वो पहले स्टॉक मैं बोल रहा हूं कि कुछ ऐसा होता है मार्केट पे जो एक्सपेक्टेशंस के परे होता है, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक चलने लग गया पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक था, वहां पर भी कुछ बेहतर नहीं, ये आपकी पकड़ है इस पूरे स्पेस के ऊपर, तो चलो लक्स इंडस्ट्रीज और पेज इंडस्ट्रीज दोनों स्टॉक पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा एक और स्टॉक है एलगी इक्विपमेंट्स, यहां पर तो खरीदारी हुई कल, गिरते बाजार में अच्छी खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली थी और अंतिम चरण में खरीदारी बढ़ गई, 7 रुपए का मूव था, हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए, 243 या आज के दिन का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए आप, 254 से 255 की रेंज के लिए आप एलगी इक्विपमेंट्स पे शुरुआती ट्रेड में ही बेट लगा सकते हैं। चलिए एक और ऑटो स्टॉक है जिसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा, इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, ब्रेक से पहले आपको याद होगा मैंने ऑटोमोटिव एक्सेल की बात करी थी, लूमेक्स ऑटोटेक एक और स्टॉक है जिसपे आप नजर रख के चल सकते हैं। देखिए ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अगर आप देख लें उसके बाद भी इन स्टॉक्स में कुछ ज्यादा एक्शन बनता हुआ नहीं दिखा है, आज हो सकता है कि कुछ चुनिंदा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक्शन बनता हो दिखे, क्योंकि लूमेक्स ऑटोटेक की जहां तक बात है तो महाराष्ट्र में इन्होंने एक यूनिट शुरू करी जहां से बजाज ऑटो को ऑटो पार्ट्स की सप्लाई का कामकाज शुरू कर दिया है, कमर्शियल प्रोडक्शन इन्होंने शुरू किया है, उसका इम्पैक्ट आज पॉजिटिव साइड पर रह सकता है क्योंकि ये जो नया प्लांट इन्होंने शुरू किया है उसकी 7 लाख यूनिट की सालाना क्षमता है, जहां पे ये चेसिस फ्रेम्स और कुछ और ऑटो एंसिलरी उत्पाद बनाते हुए दिखेंगे और बजाज ऑटो को सप्लाई करते हुए दिखेंगे, और बजाज ऑटो हाल फिलहाल देखें तो इनकी बिक्री बढ़ाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, इन्होंने डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा ऑफर किए हैं, मार्जिन्स को अपने ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी भी तरह अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करने के लिए, तो जितने भी इनके सप्लायर्स हैं बजाज ऑटो के उनके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, और वैसे भी अगर नया प्लांट शुरू कर रही कंपनी उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है तो उसका नंबर्स में रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखेगा, इसे बाजार कहीं ना कहीं पचाने की कोशिश करेगा। आज 145 रुपये का लक्ष्य, 137 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें।
और नंबर्स के दम पे, नतीजों के दम पे ही सीजी पावर एक स्टॉक है जिसमें आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इनकी आय अगर आप देखें तो उसमें जरूर बढ़ा देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा ज्यादा नहीं बढ़ा, 130 के मुकाबले 148 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं और मार्जिन भी फ्लैट रहे हैं 8.5% के आसपास के। लेकिन इंपॉर्टेंट है इनकी बॉटम लाइन, जो मुनाफे का नंबर है वो इनफैक्ट घाटा था 28 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले 150 करोड़ रुपए का मुनाफा है। रजत आप देखें 5 गुना से ज्यादा की बढ़त रिपोर्टेड फ्रंट पे अगर आप देखें घाटे में देखने को मिली है और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। अगर आप एडजस्टेड बेसिस पे भी इनका नंबर देखें तो करीब 68 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था, वो बढ़कर 116 करोड़ रुपए का हुआ है। यानी कि जो बॉटम लाइन की पोजीशन काफ़ी वीक थी, कमजोर थी, वो और कहीं ना कहीं डिटीरोरेट होती हुई दिखी और ख़राब होती हुई दिखी है। तो सीजी पावर में हो सकता है कि आज बिकवाली का बाहर आता हो दिखे। 32 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए, 34.10 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएं। नतीजे भी टाले थे इस कंपनी ने, अब जो नतीजे दिए तो आप बोल रहे हैं कि पहले 5 तारीख को आने वाले थे, शायद फिर 12 तारीख की थी, तो फिर अब नतीजे आए और उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो 32 का टारगेट 34.1 का एक लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। लेकिन क्वेस्टकॉप इस स्टॉक में एक्शन तेज हुआ और 8 महीने की गिरावट के बाद एकदम से चढ़ना शुरू हुआ है। नतीजे भी ठीक थे इस कंपनी के, उतने खराब नतीजे नहीं थे। गिरते बाजार में कल एक्शन तेज था, हो सकता है 680 तक जाने की कोशिश करे। 656 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, 680 का लक्ष्य। और अगर डेरिवेटिव मार्केट में कोई एक्शन होगा और बाजार में तेजी बनती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जरूर नजर रखें, क्योंकि यहां पर अच्छा स्ट्रक्चर है। 3 दिन बाजार फिसला तो इसमें भी वसूली देखने को मिली, लेकिन कल 7 लाख शेयर्स जुड़ गए थे फरवरी वायदा में, हो सकता है कि यहां पर तेजी देखने को मिले। और यहां पर टारगेट आपको 1285 का लगाना है, 1245 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर तेजी बनाई जा सकती है। अच्छा, आज ना पेपर स्टॉक्स पर जरूर नजर रखिए, जेके पेपर्स के नंबर आए हैं और इनफैक्ट आप पेपर स्पेस में देखिए तो कई सारी ऐसी कंपनी जिनके नंबर बहुत शानदार आए हैं। इस कंपनी का मुनाफा देखिए 71% बढ़ा है, आय महज 10% बढ़ी, लेकिन कामकाजी मुनाफा 60% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 19.5% के थे वो 28% के पार चले गए। तो ऑपरेटिंग आधार पे कामकाजी फ्रंट पे अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुनाफा भी 71% बढ़ा है। तो जेके पेपर के साथ साथ बाकी स्टॉक्स पे भी नजर रखिए। जेके पेपर में नंबर्स के दम पे 140 तक की चाल आ जा सकती है, 132 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और फार्मा स्पेस से अगर आप देखें, एक छोटी कंपनी है न्यूलैंड लैब, इसके नंबर्स भी बहुत प्रॉमिसिंग है। 40% इनकी आय बढ़ी है, मुनाफे में 6 गुना से ज़्यादा की बढ़त है। 70 लाख का मुनाफा था वो बढ़कर 4.5 करोड़ रुपये हो गया। कामकाजी मुनाफा 65% बढ़ा है, मार्जिन जो कि 7.6% के थे वो 9% के पार पहुंच गए। तो अच्छे नंबर्स के दम पे हो सकता है कि आज न्यूलैंड लैब का स्टॉक भी फोकस में आए। 510-520 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच कीजिए, 485 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा, बहुत समय बाद एक और स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं, वो है डी लिंक, क्योंकि नतीजे बहुत दमदार हैं। 62% मुनाफा बढ़ा है, 8 करोड़ फिगर पहुंच गई है। इसको अगर तिमाही दर तिमाही आधार पर देखेंगे तब भी मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन 4% से बढ़कर सीधा 7.8%। उनका जो कामकाजी मुनाफा है एबिटा वो 86% बढ़कर 13.5 करोड़ आया है। हर लिहाज से नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं। 78-80 इन टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें डी लिंक को आज, और 72 ये आज के दिन का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना। अच्छा, आज मैंने जो सुप्रीम शेयर चुना है ना वो है आयल केमिकल का। कल देखिए बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में हुई थी, 7% के आसपास ये लुढ़कता हुआ दिखा था, लेकिन आज हो सकता है वो जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं रिवर्स होती हुई दिखे, क्योंकि जिसका कि परफॉर्मेंस इस कंपनी ने रिपोर्ट करी है बेहद शानदार है। ना केवल ईयर ऑन ईयर बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो कंपनी के मुनाफे के जो नंबर आए हैं बेहद शानदार है। इनका मुनाफा 9.3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। मैंने इसके नंबर्स क्वार्टर क्वार्टर भी चेक किए, 36-37 करोड़ रुपए के आसपास का बेस था, तो 2 गुना से ज्यादा की बढ़त क्वार्टर क्वार्टर भी इस कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है। आय 82% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 4.3 गुना बढ़ा है, मार्जिन 12% के थे 28.5% के आसपास के आए हैं। तो शानदार नंबर्स हैं और जिस तरह की गिरावट हुई है उसके बाद आज यहां पे एक्शन बनना लाजमी है। 220 का टारगेट होगा आज के लिए, मैंने अग्रेसिव टारगेट चुने हैं, 196 के आसपास का स्टॉप लॉस। चलिए फटाफट से रीकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने सनफार्मा के साथ की है, तिमाही दर तिमाही आधार पर, सालाना आधार पर किसी भी एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे सनफार्मा के। 452 का टारगेट, 430 का लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। फ्यूचर रिटेल में प्रमोटर ने ही अपनी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तेज हो सकता है ये स्टॉक। हेक्सावेयर कल गिरते बाजार में, आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन हेक्सावेयर दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग थी, 367 के टारगेट के लिए आज बैट लगाई जा सकती है, 354 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। आरसीएफ और इंडियन होटल्स दोनों ही स्टॉक पर नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तेजी बनाई जा सकती है दोनों ही स्टॉक्स पर। और लक्स इंडस्ट्रीज इसी कैटेगरी में एक और स्टॉक जहां पर नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, पोर्टफोलियो में शामिल करें 1210 के लक्ष्य के लिए। एलगी इक्विपमेंट और क्वेस्ट कॉप में खरीदारी हो सकती है, 254 का लक्ष्य है एलगी इक्विपमेंट, क्वेस्ट कॉप 680 का टारगेट है, 656 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 3 दिन तो टूट गया, लेकिन कल निचले स्तरों से खरीदारी थी स्टॉक में, आज 1285 का टारगेट है, 1245 का स्टॉप लॉस। और डीलिंग के नतीजे यहां पर बेहतर साउंड कर रहे हैं, 78-80 की रेंज तक पहुंच सकते हैं, 72 का छोटा सा लगाइए स्टॉप लॉस। बाटा, कोल इंडिया और ऑटोमोटिव एक्सेल 3 स्टॉक हैं जो कि अच्छे नंबर्स के दम पे चुने गए हैं। बाटा में आज 1220 का लक्ष्य होगा, मार्जिन बहुत अच्छे आए हैं। कोल इंडिया के नंबर्स भी आउट परफॉर्म किए हैं, 230 का लक्ष्य होगा। ऑटोमोटिव एक्सेल्स वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स कहना चाहिए ऑटो एंसिलरी स्पेस में, 1150 रुपये का लक्ष्य है, लेकिन कॉनकोर के नतीजों ने निराश किया है। 500 रुपये का टारगेट लेके इसमें बिकवाली कीजिए,
और सन फार्मा के नंबर्स के दम पे हो सकता है कि स्पार्क जो सन फार्मा एडवांस रिसर्च है उसमें ज्यादा बड़ी तेजी बन सकती है। 170 रुपए का टारगेट होगा, 153 के आसपास का स्टॉप रखें। इसके अलावा एक और ऑटो एंसरी कंपनी है लूमेक्स ऑटो टेक, उन्होंने एक नया प्लांट शुरू किया है, बजाज ऑटो को सप्लाई होगी महाराष्ट्र से। 145 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कीजिए, लेकिन सीजी पावर के नंबर्स भी खराब हैं, यहाँ पे घाटा बढ़ता हुआ दिखा है। 32 रुपए का टारगेट लेके बिकवाली करके चले, और जेके पेपर बहुत शानदार नंबर्स हैं, 140 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। और न्यूलैंड लैंप्स में भी आउट परफॉर्म किया है नंबर्स के फ्रंट पे, 510 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए। और आईओएल केमिकल कल 7% गिरा था, आज रिवर्स हो सकता है क्योंकि नंबर्स में मुनाफा 9.3 गुना बढ़ा है। 220 का लक्ष्य, 196 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। चलिए 20 सौदे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में, उम्मीद करते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मुनाफा दिलाएं।